हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि हम करेंट फीलिंग्स पर हर रोज एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट वॉज रिक्वेस्टेड कि करेंट फीलिंग्स डेली चेक होने चाहिए। तो देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, नाइस। ऐसा कह सकते हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स। ओके, मिक्स्ड फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं इस समय, और ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप दोनों के रिश्ते में ना अब चेंज आ गया है, रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है। या आप लोगों के बीच जो एक्सचेंज पहले था, जिस तरह का एक्सचेंज से मेरा मतलब है कि आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको, तो वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वो आपको कर रहे हैं। आप उनके लिए कुछ एफर्ट ले रहे हैं तो वो आपके लिए ले रहे हैं। आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपसे कर रहे हैं। आप कुछ कन्फेस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए चीज़ें करना और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से इक्वली एक्सप्रेस करना। तो अब ये जो एक्सचेंज है, ऐसा लगता है वो बहुत बदलाव आ गया है उसमें। आप लोगों के बीच जो एक्सचेंज चलता आया है, जो चलता रहना चाहिए था, पर अब वो उतना स्मूदली नहीं चलता है, या बिल्कुल रुक गया है, बंद हो गया है। यस, तो ऐसा लगता है व्यूवर्स कि आप लोगों के बीच वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से बहुत बदलाव आपके कनेक्शन में आया है। करेंटली आपके पर्सन उसी बदलाव को महसूस कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि कितना चेंज आप लोगों के बीच में आ गया है। ऐसा लगता है कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया है आप लोगों के रिश्ते का, पूरा पैटर्न बदल चुका है। इसमें वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो एक समय को ब्लेम कर रहे हैं, टाइम को ब्लेम कर रहे हैं, डेस्टिनी को ब्लेम कर रहे हैं, या सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं कि परिस्थिति ही ऐसी थी, समय ही ऐसा था, किस्मत में ऐसा लिखा था, दिस एंड दैट। इस तरह से वो सिचुएशन को, टाइम को, भाग्य को दोष दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस कारण बदलाव आ गया। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि समवेयर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके अंदर जो चेंज देखा है, या कुछ चेंज ऐसा नोटिस किया है, क्योंकि ये पैटर्न में तो चेंज देख ही लिया उन्होंने कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया, आप लोगों के बीच की इक्वेशन पूरी चेंज हो गई, एक्सचेंज कम हो गया आप लोगों के बीच का, बंद हो गया। तो ये बदलाव जो आया है, इस बदलाव ने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट किया है, इस बदलाव ने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट किया है। कहीं ना कहीं इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर भी गए हैं, दे आर स्कैर्ड नाउ। डर की बात यहाँ पर यह है व्यूअर्स, क्योंकि उन्होंने ऐसा बदलाव एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर वो उन्होंने एफर्ट्स लेना बंद कर भी दिया था, ओके, अगर उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट, एक्शन, कम्युनिकेशन या जो भी है अपनी तरफ से कम किया था या बंद किया था, तो उन्हें एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप करते रहोगे, या उनके दिमाग में ये बात उन्होंने एक धारणा बना ली थी, ये बात उन्होंने ऑलरेडी अपने दिमाग में बसा ली थी और मान ली थी कि आप तो जो कर रहे हो वो करते रहोगे, आप जो एफर्ट ले रहे हो, आप जो कोशिश कर रहे हो उनके लिए, यू विल कीप ऑन डूइंग दैट, आप वो सब करते रहोगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट लेते रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे। लेकिन ये जो चेंज दोनों तरफ से आ गया, वो भी नहीं कर रहे थे, अब आप भी नहीं कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि कैसे आपने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, तो थोड़ा शॉक्ड हो गए हैं। अब वो फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब ये चेंज जो विटनेस कर रहे हैं या चेंज जो नोटिस कर रहे हैं, अब वो चेंज उनको हजम नहीं हो रहा है, ये कह सकते हैं अब वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो कैसे गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं ये कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे पास ही है, ये तो मेरी लाइफ में है ही, कोई वैल्यू नहीं करते उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते। लेकिन अचानक से जब वो चीज़ चेंज होती है जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, तो वो बहुत धक्का लगता है,
और ऐसा धक्का इनको लगा है और ये अब थोड़ा डरे हुए हैं। और ये डर ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अब अगर दोनों तरफ से ये चीज बंद हो गई है तो इनिशिएट कौन करेगा, यानी शुरुआत कौन करेगा, ये आइस ब्रेक कौन करेगा, बीच में जो ये दीवार आ गई है ये कौन तोड़ेगा, कौन इसको हटाएगा, कौन पहला स्टेप लेगा, कौन पहले कोशिश करेगा। और वो पहला स्टेप लेने में भी डर रहे हैं, यानी कि वो इनिशिएट करने में भी डर रहे हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि फेस करने में डर रहे हैं आपको। यस, दे डू नॉट हैव द करेज टू फेस यू। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर पाए, तो इसीलिए स्टेप लेना, कुछ इनिशिएट करना, सामने से एक्शन लेना अभी दूर की बात है। अभी तो डर है कि कैसे हो गया ये सब, एक धक्का लगा हुआ है अभी। और जैसे उनको लग रहा है जैसे कोई सिचुएशन उनके कंट्रोल में बहुत दिन से थी, कोई पर्सन उनके, यानी कि आप, कोई पर्सन उनके कंट्रोल में बहुत दिन से था, कोई परिस्थिति उनके कंट्रोल में बहुत दिन से थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो परिस्थिति उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और वो पर्सन यानी कि आप भी उनके कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर जा चुके हो। अब उनके कंट्रोल भी कुछ नहीं है, जिस सिचुएशन को, जिस पर्सन को वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या बस यू नो जैसे तैसे समझ रहे थे कि ये तो लाइफ में है ही, तो वो अब जो चेंज आया है उससे इतना झटका लगा है इमोशनली कि डर बैठ गया है मन में एक। यस, तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है काफी डरे हुए हैं और काफी धक्का लगा है ऐसा लगता है। मेंटली सोच रहे हैं कि वो भी एफर्ट लेंगे, अब वो भी कोशिश करेंगे, अब जितना एफर्ट ले सकते हैं लेंगे, लेकिन पहला एफर्ट कौन लेगा, यानी फर्स्ट स्टेप कौन लेगा। उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो फेस नहीं कर सकते, आपको इतना डर रहे हैं, तो अगर आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तो कैसे चीजें स्टार्ट होंगी, क्योंकि वो नहीं फेस कर सकते आपको। लेकिन अगर आप उन्हें एक मौका दे दें, एक हिंट दे दें, एक साइन दे दें, या आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर दें, या अपनी तरफ से आप पहला स्टेप ले लें, तो फिर ये सोचते हैं कि फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, जितने एफर्ट्स उन्हें लेने चाहिए थे उतने एफर्ट्स लेंगे, जो आप डिजर्व करते हो वैसा ही बिहेव करेंगे, और जितनी उनको आपके लिए एफर्ट, एक्शन या जो भी उन्हें आपके लिए करना चाहिए वो चीज़ें करेंगे, फिर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस उन्हें एक चांस मिल जाए, बस उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाए, उन्हें एक हिंट मिल जाए, एक साइन मिल जाए, तो वो करेंगे। तो वो फर्स्ट स्टेप कौन लेगा, इस चीज़ की एक एंग्जाइटी है उनको, हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप। और ऐसा नहीं है कि इस बीच में ये कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको लग रहा होगा व्यूअर्स के इन्होंने आपकी तरफ से अपना इंटरेस्ट लूज करके किसी और में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, ये किसी और को पसंद करते हैं, या फिर दे लुकिंग समवन एल्स और दे सीइंग समवन एल्स। ऐसा नहीं है, किसी और की तरफ इनकी नज़र नहीं है, किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन इनका ओपन नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि इनका माइंड कहीं यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रोट दीज डेज। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि इनका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या कहीं पर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है इमोशनली मेंटली पूरी तरह से ये आपके साथ लॉयल हैं। यस, चाहे इनका बिहेवियर बीच में चेंज हुआ हो, फ्लक्चुएट हुआ हो, केयरलेस बिहेवियर, फॉर ग्रांटेड लेने वाला बिहेवियर हो गया हो, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी जो है वो ऐसी नहीं है कि कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नहीं, ऐसा लगता है व्यूवर्स कि ये अभी भी आपके लिए उतने ही लॉयल हैं, उतने ही डेडिकेटेड हैं, और कहीं ना कहीं आपके अलावा किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो लॉयल्टी यहाँ पर है, एफर्ट लेना चाहते हैं लेकिन फर्स्ट स्टेप लेने में डर लग रहा है। जो चेंज आया है उस चेंज को देखकर थोड़े से शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, और कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि अगर आपने पहला कदम नहीं लिया तो इसका मतलब क्या, सब खत्म। अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया व्यूवर्स, तो इसका मतलब क्या, सब खत्म हो जाएगा क्या? तो ये यहां पर हो रहा है। यस, तो डरे हुए हैं, क्लैरिफाई करते हैं।
एक कार्ड अनफोल्ड तो हुआ है यहाँ पे और ये भी अनफोल्ड हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं करेंटली। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप पर बहुत नज़र रखी जा रही है। यस, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या ब्लॉकिंग है या कुछ ऐसा किया है, अनफॉलो, अनफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट, तो लगता है किसी कॉमन फ्रेंड के अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी और के आईडी से। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद अपने आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, खुद अपने अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, सोशल मीडिया पर ये स्टॉकिंग हो रही है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। और सोशल, अगर इन्होंने आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करी तो सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे कोशिश। सोशल मीडिया के थ्रू हिंट्स देना, सोशल मीडिया के थ्रू साइन देना, हिंट देना, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, शीप यहाँ पर भी है एंड आई कैन सी शीप्स इन दिस कार्ड ऑल्सो, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड देयर इज अ लाइन बट देयर आर शीप्स, देयर आर लॉट ऑफ शीप्स अराउंड। तो कंडीशनिंग का कार्ड है, ओके। ये कार्ड कहीं ना कहीं इनके इस भय को साफ साफ बताता है, इनके इस डर को साफ साफ बताता है कि ये कितने भी स्ट्रांग हैं मेंटली, कितने भी स्ट्रांग दिखते हैं, कितने भी स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि डर ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है, ओके। स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त उतनी, इस समय तो उनकी कंडीशन ही ऐसी है, आप उनकी मजबूरी समझ लीजिए ये, कि इस समय उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। वो फंस के रह गए हैं, उलझ के रह गए हैं, फंस के रह गए हैं ऐसा लगता है। यस, देखिए ये दो सिचुएशंस के बीच में स्टक हो गए हैं ऐसा लगता है यहाँ पे। ये देखिए एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एंड समवन इज हैंगिंग इन बिटवीन, कोई बीच में फंसा हुआ है, लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही व्यूअर्स, अब ये दो परिस्थितियों के बीच में फंस चुके हैं। परिस्थिति एक ये है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ने का समय है। एक परिस्थिति ये है कि मैं कुछ खत्म होने नहीं दे सकता, मुझे वेट करना है, एक्शन लेना चाहिए, कुछ होना चाहिए, यू नो। तो अब ये इंसान दो सिचुएशंस के बीच में इस तरह से फंसे हुए हैं या झूल रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, कि दो परिस्थितियों के बीच ये इंसान फंस गया है ऐसा लगता है। कि अब ये क्या करे, फेस नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ नहीं है, ओके, फर्स्ट स्टेप लेने की हिम्मत नहीं है, और साथ ही साथ आपको भूलने की भी हिम्मत नहीं है कि आपको भूल जाएं, आपको लेट गो कर दें, कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन कर लें, उतनी भी हिम्मत नहीं है, उतना भी मन नहीं है कि वो अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको भूल जाएं, एटलीस्ट इसको लेट गो करें। वो भी नहीं कर सकते, वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, वो आपको नहीं भूल सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, और ना ही आपको लेट गो कर सकते हैं, यानी जाने दे सकते हैं, इतना इजीली नहीं जाने दे सकते। इसीलिए दो तरह के विचार, दो तरह की परिस्थितियों के बीच में ये इंसान फंस गया है ऐसा लगता है। या सो हियर वी हैव नंबर 10, हियर वी हैव नंबर 10। तो नंबर 10 से एक चीज तो यहां पर क्लियर हो रही है, दे स्टिल वॉन्ट दिस यूनियन विद यू। उन्हें अब भी, चाहे चीजें कितनी भी मेस्ड अप हो गई हैं, कितनी भी बिगड़ गई हैं, उलझ गई हैं, पर उन्हें अभी भी आपके साथ यूनियन चाहिए, उन्हें अभी भी आपके साथ एक होना है, ये इतना साफ साफ यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स, रीबर्थ का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ये, ओके, कि ये अपने आप को बदलेंगे, अपने परसेप्शन को बदलेंगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, सुधार लाएंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इनके लिए चल रहा है, जहां पर ये अपने आप को एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी से एक बेटर टाइप ऑफ पर्सनालिटी बनाएंगे, यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन बनाएंगे आपको अपने आप को खुद का, यानी खुद का एक बेटर वर्जन, खुद का एक इम्प्रूव्ड वर्जन वो खुद को बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनकी लाइफ में। कार्ड भी रीबर्थ का आया है, जो दर्शाता है व्यूअर्स की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये इंसान नई तरह से उभर के बाहर आएगा, नई तरह से
यू नो शाइन करेगा, यानी कि अभी ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, ये सब कुछ बिगड़ गया है, बिखर गया है, लेकिन ऐसा लगता है इसी सिचुएशन से ये इंसान जो है वो ग्रो करेंगे, वापस उसी सिचुएशन से, उसी परिस्थिति से वापस खड़े होंगे, अपना स्ट्रेंथ गैदर करेंगे, अपना करेज गैदर करेंगे, यानी अपनी हिम्मत को वापस जुटाएंगे और जो एक्शंस लेने हैं वो भी लेंगे, जो चीज़ें फेस करनी है फेस भी करेंगे, यू नो वो फिर जो करना है, जो क्लैरिटी चाहिए वो सब कुछ होगा, लेकिन अभी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है कि वो एक टाइप ऑफ पर्सन से एक बेटर टाइप ऑफ पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, खुद का ही एक बेटर वर्जन बन रहे हैं, और वो चीज़ एक दिन में नहीं होती है। आज बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, कल को रियलाइजेशंस होंगे, उसके बाद एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, अपोलॉजीज होंगी, कहीं ना कहीं विचार बदल जाएंगे, परसेप्शन बदल जाएगा, और इस इंसान के अंदर एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन आपको देखने को मिलेगा, जो ज़्यादा डेडिकेटेड है, ज़्यादा लविंग है, ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन इनको एक रोमांटिक, लविंग, केयरिंग पर्सन और पार्टनर बनाएगा। या लेट्स सी डिवाइन मैसेजेस यहां पर क्या है, देखते हैं। इट्स अप टू यू, ओके। यहां पर चीजें होंगी, डिले भी हो सकती हैं, क्विकली भी हो सकती हैं, बट जल्दी होती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि ये इंसान स्टक दिख रहे हैं। यहाँ पर भी जंजीर से बंधे हुए हैं, शेर के पैर कंडीशन में भी मजबूरी है, और यहाँ पर भी दो ब्लॉक्स के बीच में ये इंसान फंसा हुआ है। तो इतने फ्री तो नहीं लग रहे कि एकदम से डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये रीबर्थ का कार्ड बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की या कुछ साइन या कुछ हिंट देने की कोशिश सोशल मीडिया से ये इंसान जरूर कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो इट्स अप टू यू व्यूअर्स, आपको क्या करना है। अगर ये इंसान ये सब सोच रहे हैं तो अब आपका क्या डिसीजन है? आप रुकना चाहेंगे, वेट करना चाहेंगे, पेशेंस रखना चाहेंगे, मूव ऑन करना चाहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, वो पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा। ओके, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ये डिसीजन आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अकेले ही लेना होगा। यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस की बात है, और मैंने आपसे ऑलरेडी ये कहा कि ये एक बेटर वर्जन बनेंगे, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, ज़्यादा ही डेडिकेटेड पार्टनर पर्सन बनेंगे वो। और यहाँ पर कार्ड भी आ गया, मैंने कहा ना, एक बेटरमेंट के लिए, अच्छा, कुछ अच्छे के लिए, एक बेटर वर्जन के लिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये रीबर्थ हो रहा है, और ये रीबर्थ बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी और बहुत बड़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे, और ये बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही आने वाले हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, आगे आप दोनों के कनेक्शन में। ये तो एक फेज है जो निकलेगा। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।